कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा जालंधर में साप्ताहिक चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें धाम के संस्थापक आचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने आए हुए मुख्य यजमान से परिवार सहित आहुतियां डलवाई और बताया कि चंडी आराधना करने से हर दुख समाप्त हो जाता है। इस दौरान रुद्र अभिषेक भी किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने अपना योगदान डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे से 7 बजे तक चंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर धाम के संजीव शर्मा, रोहित शर्मा, अमित शर्मा, साहिल गग्गू, लक्की, रचना, पंडित पुष्पेंद्र, पंडित विकास, कोमल, गीता, रक्षा, रितु, प्रीति, सुमित, बिन्नी, संजय बब्बल सहित असंख्य भक्त जन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की बोले, शंकर भगवान की जय। कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा, आज भगवान शिव किस पवित्र माह पर श्रावण महीने में, जैसे हर वर्ष हम काल सर्पयोग शांति एक सामूहिक तौर पर यज्ञ करवाते हैं, आज उसका आयोजन किया गया। हर वर्ष बहुत सारे लोग एक दिन में ही बैठा करके 100-150 यजमानों को एक बार में ही बैठा करके सबका काल सर्पयोग शांति पूजन करवाते थे, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग से पर्सनली काल सर्पयोग का महायज्ञ अनुष्ठान आयोजन नहीं कर सकते, तो ये कालिका धाम ज्योतिष की तरफ से हर वर्ष किया जाता है। और मैं सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप काल सर्पयोग से पीड़ित हैं ना, तो ऐसे तो मैं खुद भी ज्योतिषी हूँ, बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन जो मुझे लगता है, जिसका मैंने परिणाम देखा है, सबसे बेहतर उपाय है, आपको भगवान महादेव की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव का वंदन करना चाहिए। और काल सर्पयोग शांति करना है तो नाग गायत्री के 125,000 मंत्र का जाप करवा करके उसका दशांश आप हवन कीजिए, होम डालें, फिर आपके साथ भगवान शिव की कृपा चलेगी और सारे दोष जीवन के समाप्त, भगवान शिव का वंदन करना चाहिए। तो इस बार कुछ कोविड का ख्याल रखते हुए और कुछ और विस्तार से हो जाए तो हमने अलग अलग दिनों पर रखा है, यानी 20-25 लोगों को बैठा करके ऐसा हमने एक सप्ताह एक हफ्ते तक करते रहना।